इस समय पुजारी गुरु की नियुक्ति हाँ। यहाँ जय गुरुदेव मंदिर जो है तीन नामों से जाना जाता है। और इसका निर्माण कब हुआ था, ये किनके द्वारा बनवा गया था, ये कुछ मालूम है आपको? हमारे भाई साहब की बाइक काफी महंगी, कितना माइलेज देती है? देखो भाई ये खून पी रही, हमारी बाइक तो 60 का माइलेज देती है। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों आज इस ब्लॉग की शुरुआत हो रही है, सुबह के 11 बजे हुए अभी। एक लड़का आ हमसे मिलने जो कि यूट्यूबर है वो भी, तो हम उसके साथ जा रहे हैं। हमारे गांव से लगभग 30 से 40 किलोमीटर दूरी पे है। तो दोस्तों फाइनली मैं रेडी हो चुका हूँ, अभी वो लड़का आया नहीं है, जैसे वो आता है इसके बाद हम सीधे चलने वाले हैं। बगल पे गाँव पे एक यूट्यूबर है जिनका नाम लवकुशर ब्लॉगिंग करते हैं, वो काफी महंगी बाइक भी लेकर के आए हैं, तो कह रहे थे मिलने के लिए, तो अभी हम उनसे मुलाकात कराते हैं। ये देखिए उनकी, सबसे पहले आप बाइक देख लो, लवकुश मोटो ब्लॉग्स, ठीक। आप लोग सब्सक्राइब कर देना, फॉलो कर लेना। कैसा हाँ। लगा आपको मिलकर के? मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा। मैं एक बीच में आम का जंगल था, ये बाग था, तो हम लोग यहीं पे रुक गए थे, तो काफी अच्छा यहाँ पे लग रहा है। और हम दोनों लोगों की बाइक यहाँ पे खड़ी है। भाई साहब की बाइक काफी महंगी, कितना माइलेज देती है? 15 की माइलेज देती है। देखो भाई ये खून पी रही, हमारी बाइक तो 60 का माइलेज देती है। अब ये यार पता नहीं कैसे इसको झेल रहे हैं, मैं तो नहीं झेल सकता क्योंकि मैं इसमें भी तेल भराने में काफी ज्यादा परेशान हो जाता हूं। दर्शक के लिए लेके आया हूं कि दर्शक लोग देखेंगे वीडियो को हमारी। वीडियो के चक्कर में इतनी महंगी बाइक लेकर के आ गए, लेकिन 15 का माइलेज देती है, आप लोग समझ सकते हो। अब वहां से हम लोग आए, कितना तेल पी जाएगी? 500 रुपए का तेल इसका, 500 का तेल पी जाएगा। अभी 500 भाई साहब डलाए 499 रुपए का ना। ये वाला जो हाईवे है, यानी कि ये रोड गया बेंदकी से बउहा, आपने एक गाना सुना हुआ काफी ज्यादा वायरल हुआ था, बेंदकी से बउहा वाली रोड जो काफी ज्यादा खराब थी उस समय में, लेकिन इस समय कुछ ठीक हो गई, बन गई है। चलो अब हम लोग चलते हैं आगे उस मंदिर पे, और वहाँ पे कुछ लोगों से मिलेंगे। ये देखो अपनी बाइक, ये तो आपको मालूम ही है, स्प्लेंडर। अंदर तो कोई पार्किंग एरिया है नहीं। जय गुरुदेव टेम्पल, इसी के बगल में एक शॉप है जो कि यहाँ पे पूजा पाठ का सामान मिलता है। तो ये भाई साहब है, भाई साहब आपका जो शुभ नाम वो बता दीजिए। कुलदीप। कब से आपकी दुकान है यहाँ पे? हमारी दुकान सर जब से मंदिर बना हुआ है तब से है। जब से मंदिर बना हुआ है तब से इनकी शॉप है, तो हम लोगों ने इनके शॉप पे अपना बैग और हेलमेट रख दिया है, तो काफी अच्छा स्वभाव इनका लगा। अब हम लोग जा रहे हैं मंदिर के अंदर, फिर आपको वहाँ का नजारा दिखाएंगे। तो दोस्तों फाइनली हम लोग गेट के अंदर हो चुके हैं। अगर आप लोग इस मंदिर पे आते हैं तो आपको एक काफ़ी सुंदर सा नज़ारा दिखेगा। देखिए मेरे पीछे ये मंदिर है और ये गार्डन टाइप का बना हुआ है। आप लोग अगर आओ तो यहाँ पे ये देखिए जूता स्टैंड बना हुआ है, तो यहाँ पर अपने जूते चप्पल उतार सकते हो। और हम पीछे वाले भाग पे, आप लोग को दिख रहा होगा इधर साइड में, यहाँ पे दो मूर्तियाँ बनी हुई हैं। कालिका प्रसाद सोनी है जो कि गोगावली बांदा डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं, और इस मंदिर का ये प्रांगण है, आप लोग देख सकते हो। ये पीछे का भाग है, यहाँ पे कुछ लोग जो यहाँ के कार्यकर्ता वगैरह उन यहाँ पे रहते हैं पीछे साइड में। अभी हम लोग दोपहर में हैं तो यहाँ पे भीड़ नहीं दिख रही है ज़्यादा, लेकिन जब शाम टाइम ना सुबह टाइम काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगती है, और नाइट में यहाँ पे लाइटनिंग शो भी होता है, तो वो काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। चलो अब हम लोग मंदिर के अंदर जाते हैं, फिर आपको बाहर का व्यू भी दिखाने वाले हैं। ऊपर रख दो यार, आओ ऊपर चलते हैं, देखते हैं वहाँ पे जो पुजारी होंगे उनसे भी अगर कुछ जानकारी आप लोगों को मिलती है तो ज़रूर आपको नॉलेज मिल जाएगी। फाइनली हम लोग इस मंदिर के गर्भगृह में आ चुके हैं जो कि जय गुरुदेव का मंदिर है। तो यहाँ पे आपको तीन मुख्य द्वार देखने के लिए मिलेंगे। फर्स्ट में आपको देखने को मिलेगा श्री गणेश जी की प्रतिमा, और इसके बाद ये बीच में जो प्रतिमा बनी हुई है यहाँ पे साईं बाबा की प्रतिमा, उधर गणेश, बीच में साईं बाबा, फिर लक्ष्मी जी। तो यहाँ के जो पुजारी हैं हम इनका परिचय जानेंगे, और यहाँ के बारे में जो भी इसका इतिहास है और जो इसका निर्माण काल है वो चीज़ यहाँ इनसे जानकारी हमें मिल जाएगी। तो सबसे पहले आपको मेरा प्रणाम और अपना जो भी शुभ नाम। मेरा नाम सुनील कुमार द्विवेदी है। अच्छा, मैं ग्राम दिगनपुर का रहने वाला हूँ। इस समय पुजारी गुरु की नियुक्ति यहाँ जय गुरुदेव मंदिर जो है तीन नामों से जाना जाता है। अच्छा, जो कि प्रथम जय गुरुदेव मंदिर, अच्छा दूसरा है साईनाथ मंदिर, तीसरा आरबी टेम्पल नाम से जाना। अच्छा, तीन नामों से मंदिर को जाना जाता है जो कि बेंदकी से सागर रोड में हाँ। बउहा बेंदकी वाला जो रोड है उसी में पड़ता है, और यहाँ से बेंदकी की दूरी कितनी होगी? 2 किलोमीटर। जैसे आप बेंदकी से बउहा की तरफ जाओगे तो ये मंदिर आपको मिल जाएगा। और इसका निर्माण कब हुआ था? ये 1999 में, मतलब इसका जो शुभारंभ हुआ था, और इसके जो प्राण प्रतिष्ठा है वो 2007 में हुआ।
1 मार्च 2007 में प्राण प्रतिष्ठा हुआ था इस मंदिर का, और किनके द्वारा बनवा गया था ये कुछ मालूम है आपको? हमारे श्री बाबूलाल सोनी, अच्छा, उनकी धर्मपत्नी रूबी जी सोनी के द्वारा ये जो है निर्माण। अच्छा, दोनों के द्वारा है, दोनों लोगों ने इसका निर्माण कराया और कई लोगों का सहयोग भी था इसमें। अपने पिता की पूर्ण स्मृति में, अच्छा, मंदिर का निर्माण हुआ। ये जो प्रतिमा बगल में बनी हुई है, पिताजी है, गुगौली के है ना, बांदा डिस्ट्रिक्ट के, बांदा डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले थे जो जिन्होंने इसका निर्माण करवाया है। तो यहाँ की क्या विशेषता, कुछ विशेषता इस मंदिर की? यहाँ विशेषता यह है कि बहुत लोग आते हैं दूर दूर से। दूसरी बात, अपनी मनोकामना साईनाथ बाबा में नारी लोग चढ़ाते हैं, जो भी श्रद्धा भक्ति के साथ करते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। अच्छा, और यहाँ बगल में भगवान भोलेनाथ का मंदिर है। अच्छा, जो बगल में। अभी यहाँ पे जब भी हम आते हैं तो यहाँ पे कुछ ना कुछ निर्माण चालू रहता है। बांके बिहारी जी का मंदिर बनने जा रहा है। अच्छा, तो मंदिर के जो उत्तर दिशा में बांके बिहारी जी का मंदिर बनने जा रहा है, और जो दक्षिण दिशा मंदिर से यहाँ पे शंकर जी की प्रतिमा है। शिवलिंग है या शंकर जी की प्रतिमा है? शिवलिंग है। शिवलिंग है, तो आप लोग यहाँ पर आ सकते हो, इसका काफी मनोरम दृश्य है। और यहाँ पे मेला वगैरह लगता है क्या? हाँ, गुरुवार के दिन जो है मेला, हर गुरुवार को साईनाथ बाबा घूमते हैं पूरे मंदिर में। पूरे मंदिर में गोपाल की। अच्छा, यहाँ पे नाइट में भी मंदिर खुला रहता है? नहीं नहीं नहीं, 8 बजे के बाद बंद रहता है। तो नाइट में जो है लाइटिंग शो होता, कुछ लाइट वगैरह मंदिर के ऊपर पड़ती, काफी सुंदर लगता है। पार्क टाइप का दृश्य है सामने, आपको भी हम जा करके दिखा देंगे। और नाइट में जो इसका दृश्य है ना, काफी सुंदर है। अभी मैं आपको इसका हाल दिखाने वाला हूँ। ये जो झूमर, अभी लाइट नहीं जल रही इसमें? जलती नहीं, जलवाऊंगा। हाँ, जलवाओ, जलवा दीजिए पाने। तो जो यहाँ के पुजारी हैं उनसे अभी हमने रिक्वेस्ट किया, तो ये जो आपको झूमर दिख रहा है देखना, इसमें अभी लाइट जल जाएगी। जो भी दान करना है, यहाँ पे दान पेटियां लगी हुई हैं, आप लोग तीनों मंदिर के लिए दान कर सकते हो और यहाँ पे प्रसाद ग्रहण कर सकते हो। ओम सर्वाधाय विरक्तो धनधान स्वाम विश्वमत प्रसाद भविष्य न संशय। देख सकते हैं मेरे पीछे खजूर के कितने सारे पेड़ हैं, ये काफी ज्यादा सुंदरता को इनहेंस करते हैं। तो मंदिर के प्रांगण में कुछ बतख भी हैं, ये देखो कितने ज्यादा चिल्ला रहे हैं, बहुत ज्यादा शोर मचा रहे हैं। मंदिर में हर जगह पानी पीने के लिए काफी सुंदर सी व्यवस्था की गई है, ताकि किसी को प्यास लगे या हाथ पैर धुल करके मंदिर के अंदर प्रवेश कर सकता है। और सफाई के मामले ये मंदिर काफी आगे है, और फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट में सबसे विशाल और सबसे सुंदर मंदिर ये बना हुआ है। यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं और काफी विशाल मंदिर है, तो इसकी विशालता की तुलना आप लोग कैमरे में बिल्कुल नहीं कर सकते। तो दोस्तों, जो मंदिर की भव्यता है उसकी तुलना आप लोग कैमरे में बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो, चूंकि काफी विशाल है जो कि कैमरे में नहीं आता। और यहाँ पे तरह तरह के पेड़ फूल पौधे लगे हुए हैं। तो मंदिर के अंदर जैसे आप लोग प्रवेश करोगे तो गेट के पास में एक बोर्ड लगा हुआ है, तो यहाँ पे मेंशन किया गया है कुछ प्राइस, जिसमें अगर आप लोग अपनी शादी का कुछ कार्यक्रम करना चाहते हैं तो यहाँ पे कर सकते हो। देखो, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, हाल में मुँह दिखाई का 2100 रुपये, हाल में गोद भराई का 2100 रुपये है, और खाना बनाने हैं तो 5100 रुपये है, और बारात के लिए 11000 रुपये, जो कि इसमें लिखा गया है सिफारिश करने के लिए, शर्मिंदा मत करें। तो दोस्तों, फाइनली हम इस मंदिर का पूरा भ्रमण कर चुके हैं, और इसके बाद हम जाने वाले हैं अपने घर। अब हमने भैया जी की जो दुकान में सामान रखा था वो ले लिया है। चलो, फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपने ख्याल रखिए। टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।